भोपाल में शिवराज सिंह चौहान भोपाल के शाहजहानी पार्क के पास स्थित रैन बसेरा पहुंचे, जहां पर सीएम ने रैन बसेरे में रह रहे लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान कुछ लोगों ने सीएम को अपनी बीमारियों के बारे में बताया, जिस पर सीएम ने कलेक्टर को हेल्थ चेकअप कैंप लगाने के निर्देश दिए। सीएम ने बताया कि वह कल छिंदवाड़ा जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए मध्यप्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों का योगदान होना चाहिए। दरिद्र ही नारायण है, सर्दी के दिन आ रहे हैं और हमारे कई भाई बहन रैन बसेरों में रहते हैं। हमने निर्देश दिए हैं कि सर्दी से बचने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। आज शीत लहर की भी संभावनाएं हैं, सर्दी बढ़ गई है। यहाँ आज मैंने व्यवस्था देखी है, कुछ लोगों ने अलग अलग तरह की बीमारी बताई है, तो उनका कल चेकअप यहाँ होगा। सभी रैन बसेरों में मध्य प्रदेश में रात को चेकअप करेंगे, ताकि दिन में लोग काम करने जाते हैं, रात में वापस आते हैं, तो उनका प्रॉपर चेकअप हो सके। बाकी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहे, ये मैं देखने आया हूँ। जहाँ कोई कमी होगी उसको भी पूरा करेंगे। और सभी शहरों में जहाँ रैन बसेरे हैं, जनता रहती है, और सड़कों पे भी जहाँ आवश्यक है, वहाँ अलाव का, आग का और ठंड से बचने का पूरा इंतजाम किया जाए। बीजेपी के सारे नेता दिल्ली में मिल रहे नेताओं से, सर सर एक डीएम सर एक ड्यूटी है, सर्दी से बचने के इंतजाम पुख्ता होना चाहिए सर, इसलिए मैं अपने लोगों के NDRF, SDRF की टीम रवाना हो रही है, बचाने के हर संभव प्रयास। शिवराज जी, डीएमके के सांसद ने कहा बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। छिंदवाड़ा जा रहे हैं, छिंदवाड़ा जा रहे हैं। हाँ, मैं कल छिंदवाड़ा जाऊंगा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में जीती नहीं है, इसलिए वहाँ जाना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, और हमारा संकल्प है लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान 29 सीटों का होना चाहिए। सभी एक्शन प्लान तैयार कर दिया सर आपने, अब उस पर बात करना चाहिए।